करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में। नाजरीन, आप लोगों को बताते जाएं कि दुबई के वीज़े 10% ओपन हो चुके हैं। कुछ लोगों के वीज़े निकल रहे हैं और कुछ अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आपको बताते हैं कि कुछ लोगों के वीज़े निकल रहे हैं। आप लोग भी अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी परेशान ना हो, वीज़े की पाबंदियां आर्जी हैं, जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अमराती वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी को अच्छी खबर दे दी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर मुतहदा अरब अमारात पहुँचे थे। इनके दौरे पर लाखों पाकिस्तानियों की नज़रें लगी हुई थी, जो अमारात की जानिब से हालिया वीज़ा पाबंदियों के बायस बहुत परेशान हैं। इस हवाले से अच्छी खबर आ गई है। अमाराती वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर बैन अल-अक़वामी ताउन शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल-नहान ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान यकीन दिलाया है कि पाकिस्तानियों पर आयद पाबंदियां आर्जी हैं, जो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तानियों पर आयद हालिया वीज़ा पाबंदियां वक्ती हैं, जो कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस लगाई गई हैं। इस मामले पर कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सूरत हाल बेहतर होने पर ये पाबंदियाँ फ़ौरन हटा ली जाएंगी। पाकिस्तान और अमारात के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम हैं। यूएई के बानी शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान मरहूम अमाराती मुमकलत के क्याम से ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत अजीज रखते थे। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात और चैलेंजेज से नबर्द आजमा होने पर भी बात की। इस दौरान खित्ते को दरपेश मसाइल भी जेरे बहस आए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में तावुन को मजीद बढ़ाने और मिलजुल कर काम करने के अमकानात पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर मुकम्मल हम आहंगी पाई गई और मुस्तकबिल में दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।